करिए इस क्वेश्चन को करिए बेटा। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? यस सर, डायग्राम बन गया। चलो ठीक है, यू विल सी दैट बोथ द सर्कल्स हैव रेडियस इक्वल टू 1। This is x axis, this is y axis. अब जो है ये सर्कल तो ओरिजिन है, इसका सेंटर है x square plus y square equal to a square, radius is 1 unit. तो ये रहा रेडियस 1 unit का। एक सेंटर हो जाए 1,0। बिल्कुल, तो एक तो ये सर्कल हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सर्कल जो है देखो आपका ये हो गया 1,0, एक्स पे 1, एक का सेंटर हो गया 0,0 एंड 1 सेंटर इज 1,0। रेडियस इसका भी 1 है, तो यहां से जाएगा ये पास करेगा, लाइक दिस यू कैन सी। ऐसे तो ये सर्कल हो गया, तो ये दो सर्कल्स हैं जो कि आप देखोगे। अब इसका एरिया आपको देखना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया। ये जो है ऐसे, ये दोनों पॉइंट यहां आएगा बिल्कुल, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, चारों एरिया बराबर है ना, ऑल द 4 एरियाज आर इक्वल, है ना, ड्यू टू सिमेट्री चारों एरिया बराबर है। कोई एक एरिया फाइंड कर लो, उसका 4 टाइम्स कर दो। डायग्राम बनाने से आप ये चीज करके बच सकते हैं, दोनों सर्कल के लिए करने का जरूरत नहीं है। तो तुम क्या करो, किसी भी एक एरिया को ले लो, चलो ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, ये ज्यादा आसान होगा निकालना। तो द एरिया ऑफ द, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया आपका क्या हो जाएगा, उसको ऐसे सेट कर देते हैं, टोटल एरिया विल बी दिस वन, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको 4 टाइम्स कर दो, है ना। सो फ्रॉम डायग्राम द टोटल एरिया, अगर सर्कल अलग अलग रेडियस का है तब ऐसा नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर सेम रेडियस का सर्कल है तभी कर पा रहे, है ना। आपको जैसे बोर्ड में आएगा तो सेम ही रेडियस वाला आएगा। द टोटल एरिया विल बी 4 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस शेडेड रीजन, देयरफॉर
रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4 इनटू एरिया ऑफ क्रॉस शेडेड रीजन। तो बेटा क्रॉस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? रिक्वायर्ड एरिया तो क्रॉस शेडेड देख लो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 1.0 है, तो ये पॉइंट हो गया 1/2.0। तो 1/2 से 1 लेंगे और कौन सा सर्कल लेंगे, ये वाला सर्कल है ना, ये वाला सर्कल। तो y क्या हो जाएगा इसमें, 1 - x² का रूट। सो दिस विल बी 4 times इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x² का रूट dx फ्रॉम 1/2 to 1। सो दिस विल बी योर आंसर, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको आता है, a² - x² का रूट। सो दिस इज 4 into ये क्या हो जाएगा आपका x/2 रूट अंडर 1 - x² प्लस a² / 2। तो a तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो डिवाइडेड इनटू साइन इनवर्स x/a, दैट इज साइन इनवर्स x, एंड 1/2 से लेकर के 1 तक इसको कर दीजिए। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर, इसको करो बेटा। सो 4 हो गया एंड नाउ यू कीप द वैल्यू, क्या वैल्यू रखोगे, अपर लिमिट में 1 रखोगे। तो 1 जैसे ही रखोगे तो 1 - 1 ये टर्म 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू π/2, ये आ जाएगा π/4। π/2 आ जाएगा, π/2 इंटू 1/2, π/4 आ गया। माइनस लोअर लिमिट रखिए, लोअर लिमिट जैसे ही रखोगे 1/2 रखोगे, 1/2 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4, और यहाँ 1 - 1/4 3/4 इंटू √3/2, है ना। और ये भी यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे रख दो 1/2, साइन इनवर्स 1/2, है ना। तो 30 degree तो होता है, π/6 आ जाएगा, π/6 इंटू 1/2, डेट इज π/12। चलो 4 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा पाई, ये बाहर वाला 4 मल्टीप्लाई होगा, पाई माइनस √3/2 माइनस π/3। सो दिस इज 2π/3 माइनस √3/2, 2π/3 माइनस √3/2, दैट विल बी द आंसर। कम ऑन डू इट बेटा, इसको कर लीजिए। हो गया, इसको समझ गए बच्चों? देखो बेटे देवेश, क्लियर है? क्लियर है सर। ओके सुकन्या, क्लियर है बेटा? यस। ओके आयुष, क्लियर है सर। चलो बहुत अच्छी बात, तो इस तरह से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको मैं रब करूं बेटे, शुड आई रब इट? ओके सर। ओके, फाइंड द एरिया, ध्यान से पढ़ना और डायग्राम बनाओगे तभी समझ में आएगा, है ना? ग्राफ बना करके ही क्लियर होगा। फाइंड द एरिया विदाउट ग्राफ नहीं बना पाओगे, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स curves y equal to x square plus 2 y equal to x x equal to 0 and x equal to 3। करो इसको, कम ऑन, डू इट। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल टू x x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। कम ऑन बेटा, डू इट, इसको करिए। जल्दी से सोचो, ग्राफ बनाओ, इसका इसका ग्राफ बनाओ, फिर समझ पाओगे कैसे करना है, है ना? आसान है क्वेश्चन। करिए आप लोग खुद से, करिए पहले सारा चीज। ग्राफ बन गया सर। बन गया, आप करो, सॉल्व करो बेटा।
हो गया। इज इट डन? देखिए ग्राफ देखिए, बताइए भी बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ओरिजिन से। हाँ बिल्कुल, एक स्ट्रेट लाइन आएगा वाई इक्वल टू एक्स, और एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा थोड़े ऊपर से। एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियल नहीं बेटा, एक्सपोनेंशियल तो ए टू डी पावर एक्स होता है, ये वाला सर मतलब पैराबोला, पैराबोला हाँ यस, एक्सपोनेंशियल नहीं है वो। ये हो गया वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, इस तरह से y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया, x प्लस टू है मान लो, जैसे ये हो गया 1, 2 से लेना है, 2 से x हाँ, obvious सी बात है, x इक्वल टू जीरो लेंगे तो जीरो टू आ जाएगा y, तो पैराबोला आपको आएगा 1 पे 3 आ जाएगा, 2 पे क्या आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा 4, 3 पे आ जाएगा आपका 11, तो बढ़ता ही जाएगा, इस लाइन को कभी कट नहीं करेगा, है ना, हमेशा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है आपकी वाई की वैल्यू हमेशा एक्स से ज्यादा ही होगी, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा लाइक दिस, लाइक दिस द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसा ग्राफ आएगा। यहां मान लो 1, 2, 3, तो आपको लेना x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू 3, तो ये जो हो गया आपका सेकंड ग्राफ हो गया y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। अब जरा देखो, एक तो आपका ये लाइन आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगा y इक्वल टू x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, सो दिस इज x इक्वल टू 0 एंड अनदर इज x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का लाइन आपका ऐसा वाला आ जाएगा, देखो है ना, ध्यान दो, सो दिस इज x इक्वल टू 3, ये लाइन आ गया, सो दिस इज x इक्वल टू 3, एक तो ये ग्राफ हो गया आपका, एक ये ग्राफ हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इनके बीच का एरिया यानी कि ये वाला एरिया चाहिए, तो ये एरिया चाहिए, तो दिस माइनस दिस डी एक्स क्या हो जाएगा, एरिया आपका, एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स का इंटीग्रल 0 टू 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ ये वाला एक्स डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3, है ना, सो हाउ मच यू विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर, सो ये आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 3 एंड माइनस x स्क्वायर बाय 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू 3। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, व्हेन यू कीप द वैल्यू, जब आप 3 रखेंगे तो 27 बाय 3 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा, है ना, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस यहां 3 रखेंगे 9 बाई 2 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, सो व्हाट वी विल गेट, दिस इज 9 प्लस 6 15 माइनस 9 बाई 2, तो 15 माइनस 4.5, सो दिस विल बी 11.5, ओके 11.5 विल बी योर आंसर, गॉट इट बेटा, समझा इसको, बोलो यस सर यस, है ना, नहीं नहीं 10.5 आएगा ना, 4.5 है ना, है ना 10.5 आएगा,
4.5 माइनस करेंगे सो 10.5 आएगा। चल कर लो इसको। सो दिस एरिया यू हैव टू गेट, है ना। अब अगर इसी को कहेगा माइनस थ्री से थ्री तक निकालो, अगर क्वेश्चन में कहता है माइनस थ्री से थ्री निकालो तो आप इंटीग्रेट माइनस थ्री से थ्री करेंगे, है ना, तब आपका आंसर आएगा। तो अगर माइनस थ्री से थ्री कहेगा तो कौन सा एरिया आएगा, ये भी आएगा, देखो ये एरिया प्लस ये वाला एरिया, है ना। ओके डबल मत कर देना इसका, दोनों अलग है, है ना। माइनस थ्री से थ्री कहेगा, अगर माइनस थ्री से थ्री कहेगा तो माइनस थ्री फोर, माइनस थ्री टू थ्री, उसमें आपका एरिया क्या आ जाएगा, योर एरिया विल बी एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम माइनस थ्री टू थ्री, है ना, ये एरिया आ जाएगा। इसको भी कर लोगे, कोई दिक्कत, समझा, बोलो बेटा। यस सर। ये भी आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन सी हाउ टू प्रोसीड सच क्वेश्चंस। कम ऑन नोट इट डाउन, ये भी नोट कर लेना नोट में, पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन। फॉर एक्स फ्रॉम माइनस थ्री से थ्री के लिए, अगर एक्स माइनस थ्री से थ्री जाएगा तो क्या होगा। चल करो इसको बेटा, कम ऑन डू इट। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। Let me give another question now. ये तो करा दिया ट्रायंगुलर रीजन, पॉइंट वाला भी करा दिया था कल। सब तो करा ही दिया है, है ना। चलो ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन है, आई एम गिविंग अनदर क्वेश्चन, कम ऑन, इज इट डन, शुड आई रब इट, हो गया बच्चों ये, बोलिए। हाँ सर, ये हो गया बेटा। चलो ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचो। लेट मी रब दिस वन। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to cos x, y equal to cos x between x equal to 0 and x equal to 2 pi, है ना। करो इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझे। एरिया जब भी निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, आपको पता है ना, नीचे का एरिया निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो उसको मॉड लेकर के करोगे। कम ऑन डू इट बेटा, इसको करो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। चलो इसको करो, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूं।
डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ हेलो, हो गया? यस सर, ट्रांसलेशन करेगा, कर लीजिए, कर लीजिए बेटा. x-axis, y-axis, cos का ग्राफ बनाइए 0 से 2 पाई तक, है ना, लाइक दिस. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos. cos का यूं ग्राफ बना. देखो देवेश, आपका आया बेटा? हाँ आ गया सर. चलो यहाँ तो वन होता है, ये जीरो हो गया. कितना आया आंसर? चार. फोर आया सर. बिल्कुल सही है, बिल्कुल. तो ये हो जाएगा आपका टू पाई. तो बेसिकली व्हेन यू विल बी डूइंग द इंटीग्रेशन, तो देखो पाई बाई टू से लेकर थ्री पाई बाई टू तक तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो मॉड ले लोगे, है ना. ये हो जाएगा आपको एरिया विल बी इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx जो कि नेगेटिव है पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx फ्रॉम 3 पाई बाई 2 एक सेकंड रुकिएगा देखो ये आपका कॉस का होता है माइनस साइन एक्स और जो लिमिट लग जाएगा आपका सॉरी कॉस है तो साइन एक्स होता है ना साइन का माइनस कॉस एक्स सो जीरो से पाई बाई टू और यहां साइन एक्स मॉड लगा लीजिए पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू यहां मॉड लगेगा प्लस कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा एंड द लिमिट इज फ्रॉम 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तो यहां देखो तो यहां पर क्या हो जाएगा जब आप इसको इंटीग्रेट कर दिए ये आ गया ये हो जाएगा अपर लिमिट में साइन पाई बाई 2 दैट इज 1 माइनस 0 प्लस मॉड ऑफ साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 माइनस साइन पाई बाई टू माइनस वन का मॉड एंड प्लस साइन टू पाई जीरो जीरो माइनस साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन सो दिस इज योर वन प्लस टू प्लस वन दैट इज फोर अल्टरनेटिवली अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि इसको मैंने चार एरिया में बांट दिया कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये चारों एरिया बराबर है सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी फोर टाइम्स इंटीग्रल ऑफ cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 ये कह सकते हैं ये हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 है ना ये हो गया 4 इंटू साइन एक्स साइन एक्स का हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0 बेटा साइन पाई बाई 2 1 होता है सो दिस इज 4 इंटू 1 दैट इज 4 सो दिस इज द मेथड ये भी आप कर सकते हैं है ना ओके इवन इन बोर्ड ऑल्सो यू कैन डू सेम यू हैव टू शो दैट दीज आर फोर डिफरेंट एरियाज विच आर इक्वल ये आपको मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड तब आप ऐसे कर सकते हैं क्लियर है बेटा चलिए एक और क्वेश्चन देखिए है ना बस एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना इसको आप करके मुझे भेजना है मैं इसको लिखता हूं ये हो गया सुना लव इट बताइए सुकन्या डन बेटा यस सर ओके तो व्हाट द मेथड यू कैन यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सो वेरी गुड क्वेश्चन Find the area of the region. Find the area of the region है ना तो ये आपको सेट के फॉर्म में दिया हुआ है x कॉमा y
x और y एक्सिस के बीच का बताना है, x एक्सिस, इसका मतलब क्या हुआ, आपको x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का रीजन बताना है, such that y lies between x square to 0 and y lie between 0 से x plus 1 and x lies between 0 to 2 and x lies between 0 to 2. सोचो क्या मतलब हुआ इसका, come on do it, है ना, इसका मैंने मतलब क्या बोला, x comma y का मतलब क्या है कि area bounded by x axis and y axis, area bounded by x and y axis इस रीजन में अंडर द कंडीशन, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, कम ऑन डू इट बेटा, ड्रॉ द ग्राफ है ना एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट. अच्छा क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, देखिए आयुष क्लियर है बेटा, द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन इज क्लियर, हाँ सर, चलो करो, कम ऑन डू इट नाउ. करिए आप सभी, कोई करिए इसको, हो गया बेटा, इसको करिए बताइए. देखिए अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज है छूट गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ओके एक्स स्क्वायर प्लस वन कर दो, ये छूट गया था, ओके इसपे भी आंसर आ जाएगा, बट जो दिया है वो करो, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है बच्चों, देख लो वन छूट रहा था उसको लिख लो, वैसे जो आपने लिखा है उससे भी आंसर आएगा, बट यू हैव टू डू दिस, या चलो जो रखा है उसी से करते हैं,
क्योंकि आप लोग शुरू कर चुके होंगे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये आएगा, है ना, और ये ग्राफ आएगा आपका इसका y इक्वल टू x प्लस वन, देखना है ना, y इक्वल टू x प्लस वन, ये ग्राफ आएगा लाइक दिस। एक्स स्क्वायर प्लस टू करते तो क्या होता है कि ये थोड़ा दोनों का रीजन आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वन करते तो दोनों का रीजन आ जाता है ना, एक्स वाई एक्सिस भी आ जाता है ना। वही कर रहे हैं, चलो ज्यादा बेटर है क्योंकि डेटा उसी के हिसाब से दिया हुआ है क्वेश्चन में। कम ऑन डू इट, ओके लेट अस चेंज इट, कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा आप लोग ग्राफ। एक छूट गया था वन, ऐसा ये ग्राफ रहा किसका, ये रहा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन का ग्राफ, है ना। तो जीरो से एक्स प्लस वन लेना है तो इधर जाना की जरूरत ही नहीं है, यहां तक ऐसे ले लो, चलो वाई जीरो टू एक्स प्लस वन यहां तक का, इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। फिर यहां देखो ये लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ बनेगा ना, ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको बनाइए। सो द ग्राफ विल बी गोइंग लाइक दिस, तो ये हो जाएगा। अब ये इंटरसेक्ट कहां पे करेगा, किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, आपको देखना है इस तरह से, ऑफ कोर्स यू नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट आल्सो। तो देखो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू टू, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, ये चीज इसको नहीं लेना है ना। तो इसका जो एरिया होगा, ये वाला एरिया आपको प्लॉट करना है, यू हैव टू प्लॉट दिस एरिया, ओके बेटा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो तो दोनों का, सो यू पुट एक्स प्लस वन, वाई को वाई की जगह एक्स प्लस वन रख दो, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ है वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो वन गॉट कैंसिल, तो एक्स इंटू वन माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू वन। एक तो x इक्वल टू जीरो पे इंटरसेक्ट हो ही रहा है और दूसरा ये क्या आया, वन आ गया, है ना, ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट जो भी हमें क्या करना, तो ये वन आ गया। तो आप यहां से क्या आएगा एरिया आपका, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ दिस ग्राफ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स फ्रॉम जीरो टू वन माइनस नहीं करेंगे, है ना, प्लस करेंगे, इसको ऐड करेंगे ना, ये वाला ग्राफ का एरिया, तो प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स फ्रॉम वन टू टू, सो दिस विल बी योर आंसर, यहां एक्स प्लस वन कर लीजिएगा, ओके, एंड देन यू इंटीग्रेट इट, एक्स क्यूब बाय थ्री प्लस एक्स, द लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वन, एंड प्लस यहां एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स, एंड द लिमिट इज फ्रॉम वन टू टू। अब इसको करो तो बेटा, इसको सॉल्व करो, है ना, व्हेन यू कीप द लिमिट, ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाला था, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हमने ये रख दिया वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन रख दिया इसमें, एंड देन वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपका जो ये टोटल आंसर आ जाएगा यहां से, वो क्या आ जाएगा, that you will be getting, when you keep 1, you will get 1 by 3 plus 1 minus 0, and यहाँ क्या आ जाएगा, plus, when you keep 2, so 4 by 2 plus 2 minus minus 1 by 2 minus 1, तो ये आपको आएगा, तो 1 minus 1 cancel हो गया, you are getting 1 by 3 प्लस टू प्लस टू माइनस वन बाई टू, सो फोर, फोर प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू, यू कीप इट सिक्स ले लेते हैं बेटे, सो व्हेन यू कीप इट सिक्स व्हाट यू विल गेट, यहां पर
सिक्स फोर जा 24 प्लस 2 माइनस 3 सो दिस इज 26 माइनस 2 सो 26 माइनस 2 व्हाट यू विल बी गेटिंग 23 बाई 6 सो आंसर विल बी 23 बाई 6 गॉट इट बताइए आयुष समझा बेटा हाँ यस सर दिवेश इज इट क्लियर यस सर समझा इसको यस सर चलो ठीक है तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं ओके आप इसको नोट कर लीजिए